हेलो दोस्तों, तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 का करेक्शन डेट कब आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 का करेक्शन डेट कब से कब है, और आपको लाइव नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जिसे समाज कल्याण विभाग ने जारी किया है। तो सबसे पहले मैं आपको प्री मैट्रिक का दिखा देता हूँ, यानी कक्षा 9 और 10, और उसके बाद पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिवाइज टाइम टेबल ऑफ प्री मैट्रिक जो कि 31 दिसंबर को आया है, जिसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिनांक 31 दिसंबर 2020 को यह नोटिस आया है, और आप इसका विषय भी पढ़ सकते हैं। वित्तीय वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में पूर्व दशम कक्षा 9 एवं 10 कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डेटाबेस तैयार करके सत्यापन लाख करने एवं छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और पॉइंट नंबर 8, जिसे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि संदेहास्पद डाटा को कार्डों सहित छात्र विद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना। पहले इसकी डेट 29 दिसंबर से 6 जनवरी 2021 तक थी, जबकि अब नई डेट जो बढ़ाकर 25 फरवरी से 6 मार्च तक कर दी गई है, यानी कि प्री मैट्रिक के स्टूडेंट 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच अपना फॉर्म करेक्शन कर सकेंगे। और अब हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वालों के लिए, यानी कक्षा 11-12 और जितने भी अन्य दसमोत्तर कक्षाएँ हैं, जैसे BA, BSc, BCom और जितने भी डिप्लोमा हैं, उन सबका स्कॉलरशिप करेक्शन कब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवाइज टाइम टेबल ऑफ पोस्ट मैट्रिक जो कि 26 अक्टूबर को आया है, इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कि 26 अक्टूबर 2020 को ये नोटिस आया है, आप इसका विषय भी पढ़ सकते हैं जो कि पीछे वाले नोटिस का ही विषय है। तो चलिए हम पहले आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे है करेक्शन डेट। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है संदेहास्पद डाटा के कारणों सहित छात्र छात्रा एवं कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना है। इसकी पहले डेट थी 11 दिसंबर से 21 दिसंबर, जो कि बढ़ाकर 20 जनवरी से 30 जनवरी तक कर दी गई है, जो कि अभी हो नहीं रही है। यह केवल लिखा गया है, ये कभी भी चालू हो सकती है। अगर जब भी ये चालू होगी, हम आपको तुरंत वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।